बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम सब भी अच्छे हैं और आप सबके लिए भी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आवाज़ डाउन हो गई है क्योंकि इफ्तार करने के लिए बैठे हैं और अभी मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले अच्छा खासा बारिश हो रहा था, ठंडा ठंडा मौसम था, अब अच्छी खासी धूप हो रही है। मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी वाला हो गया है तो लास्ट होते होते तक सेहत जो है थोड़ी थोड़ी डाउन होने लगती है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज पूरे 15 रोज़ा पूरे हो गए हैं और 15 रोज़ा पूरा हो गया हम लोग का। और इफ्तार करने के लिए बैठी थी, सोची आप लोग के लिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप इफ्तार में क्या क्या खाती हैं। तो दस्तरखान में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, कुछ चीज़ें हम खाते हैं और कुछ चीज़ें हम नहीं खाते हैं। लेकिन अभी मुझे दिखाना था तो मैं अकेले ही बैठी थी इफ्तार करने के लिए। मतलब आप लोग को वीडियो शूट पे दिखाना था एक एक चीज़ की मैं क्या चीज़ कैसे खाती हूँ, क्या पढ़ते हैं, कैसे करते हैं, एक एक रूटीन। तो मैं वही आप लोग के लिए लेके आई हूँ। तो इंशा अल्लाह मैं अभी से लेके इफ्तार से लेके सहरी तक मैं क्या क्या खा रही हूँ, कैसे खा रही हूँ, आप लोग को दिखाऊंगी कि हम 24 घंटे के अंदर कितने देर तक बिना खाए रहते हैं और कितनी देर हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो आप लोग को भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि अगर काफ़ी टाइम तक आप कुछ भी नहीं खाएंगे तो डायरेक्ट अगर आप कुछ भी खाते हैं पानी या खाना तो आप बहुत ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पेट के अंदर नहीं जा पाता है। थोड़ा सा हमारा मन और हमारा पेट वो दोनों भर जाता है। तो उसी तरीके से ये इफ्तार है। अगर हम इफ्तार में जो भी चीज़ें खा लेते हैं, थोड़ा बहुत फल फ्रूट हुआ या फल फ्रूट बोल लीजिए या रोटी सब्जी बोल लीजिए, जो भी चीज़ें बोल लीजिए, तो उसके खाने के बाद फिर हमारा हेल्थ हमारा सेहत ऐसा हो जाता है कि हम फिर कुछ खाने के मूड में भी नहीं रहते हैं और हमारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं रहती कि फिर दोबारा हम खाना रात का खा सके। वैसे ही हम सो भी जाते हैं। और कभी कदार सहरी में हम कुछ खाए तो खाए, नहीं तो कभी पानी पी लिया, कभी दूध पी लिया, कभी चाय पी लिया, इतना ही पी के फिर हम रह जाते हैं। तो 12 से 16 घंटे जो भी होते हैं, जैसे 3 या 3:30 बजे हम लोग कुछ खाते हैं और उसके बाद कंटिन्यू फिर 3 साढ़े 3 बजे के बाद सीधा अभी 6 सवा 6 बजे जो अजान होगी उसके बाद ही हम लोग कुछ खाएंगे या पियेंगे। तब तक के लिए हम पानी भी नहीं पीते, एक घुट पानी तक नहीं पी पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं आज का इफ्तार कि हम लोग क्या क्या खा रहे हैं और कैसे अपना रोज़ा खोलती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि 15 रोज़ा पूरे हो गए और आगे का पूरा वीडियो आप लोग को दिखाते हैं। आज की इफ्तारी में ज़्यादा कुछ नहीं रखा था मैंने, दही बड़ा रखा था, बगल में सैलेड है और आलू बैंगन की सब्ज़ी, पराठा, फ्रूट्स और शरबत, रूअफ़ज़ा जो शरबत है वो है। तो पहले दुआ मांगते हैं और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। खजूर भी रखा था मैंने साइड में एक पीस, मैंने बताया। मैं यहाँ पे दुआ मांग रही हूँ और आवाज़ को बिल्कुल भी म्यूट नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्चे हैं, तो उनकी भी आवाज़ आप लोग सुनिए कि बच्चे दुआ कैसे करते हैं। आवेज भी रोजा खोलेगा ना? आवेज हाँ। वीडियो में दिख रहे हो आप भी? मैं भी दिख रही हूँ। देंगे ना? मैं भी दिख रही हूँ। दुआ मांगो आवेज, दुआ मांगो, दुआ दुआ मांगो। हाँ? दुआ मांगिए। कौन ले रहा? मैं भी दिख रही हूँ। आप दुआ मांगिए। मैं भी दिख रही हूँ। नहीं दिख रहे हो बेटा। क्या बोलते हैं, खजूर को म्यूट भी नहीं की हूँ, जैसा है वैसी ही आवाज आएगा। नहीं फिर आपका ध्यान खजूर पे गया, पहले दुआ पे जाना चाहिए ध्यान ना, पहले दुआ। चलिए बोलिए दुआ। हमारी दुआ है बिस्मिल्लाह, बोलिए अल्फी बिस्मिल्लाह रहमानी रहीम। किसी का जूठा भी खा जाता है। आप अपनी जगह में हो, आराम से बैठ के खाना जो खाना है ना। आज इतना छोटा दोस्त खान क्यों बचा है? इतना छोटा दोस्त खान क्यों बचा है अम्मी? इतना छोटा दोस्त खान क्योंकि मुझे मन था। तो वीडियो को बंद कर दूं।
पे देखो बंद कर दो। नन्ही बच्ची भी नहीं जा आपके बैठी है। तो यहाँ पे मैंने अपने प्लेट में कुछ खजूर वगैरह खा लिया था, उसके बाद रोटी और सब्जी ले लिया था, पराठा और सब्जी खा रही थी। इससे पहले मैंने खजूर खाया, जूस पिया और कुछ तरबूज के एक आध बाइट्स खा लिए थे। उसके बाद सिर्फ मैं सैलेड और पराठा और आलू का जो सब्जी था आलू बैंगन का वो खाऊंगी। उसके बाद फिर मेरा पेट वैसे भी हैवी लगने लगेगा, क्योंकि एक डेढ़ पराठा खाने के बाद ही, काफ़ी टाइम से कुछ मत खाए रहिए, उसके बाद पानी पीजिएगा, पराठा खाइएगा, तो बहुत हैवी लगने लगता है। तो जो ऑलरेडी रोज़ा रहते हैं उनको तो डीपली क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो मेरे और भी सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूबर हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, जो और भी वीडियो मेरे देखते हैं, जिन्हें मतलब अदर कास्ट से भी हैं, तो उनको भी जानना था, इसलिए उनको बताने के लिए स्पेशली बनाई कि कैसे हम क्या क्या खाते करते हैं, तो वो दिखाने के लिए बताइए आप लोग को। इफ्तार करने के तुरंत बाद में यहाँ पे जो भी मैं बिछा के कालीन वगैरह हम इफ्तारी करते हैं उसको क्लीन करने के लिए आ गई थी, क्योंकि नाया लगाने के टाइम तो नाया अच्छे से लगा देती है, बट खाने के बाद फिर मुझे ही अरेंज करके रखना पड़ता है, क्योंकि नाया को कालीन अरेंज करके रखते नहीं बनता है। और आज नाया नहीं थी तो मैंने खुद दस्तरखान लगाया था, इसलिए नाया आज एक्सक्यूज़ भी कर रही थी कि आप इतना छोटा दस्तरखान क्यों लगाई है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मुझे वीडियो बनाना था। तो आज हम लोग ज़्यादा लोग थे भी नहीं घर पे, क्योंकि कुछ कुछ काम से बाहर गए थे कोई कोई, तो बस हम लोग ही थे, तो हम लोग ही बैठ गए थे और मैं वीडियो बना रही थी, इसलिए मैं बाहर वाले रूम में इफ्तार कर ली थी, वो भी थी, लेकिन मैंने आप लोग को दिखाया नहीं उनको, क्योंकि वो कम्फर्टेबल नहीं थी इसलिए। तो अब यहाँ पर सब चीज़ क्लीन हो गया, अब चलते हैं बर्तन धुलने, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा हो चुका, मतलब रोज़ा खोल चुकी, जस्ट रोज़ा खोल के आई हूँ, अभी बैठी हूँ, जितना भी वहाँ पे दस्तरखान वगैरह था सब उठा दी हूँ। जाना था बाहर टहलने के लिए, लेकिन अभी फातिया करवाना है, क्योंकि आप लोग को गुड न्यूज़ देनी है। नहीं, फातिया करवा लेते हैं, गुड न्यूज़ आप लोग के लिए तब देंगे जब आप लोग को फेस टू फेस दिखाएंगे, मतलब वीडियो में दिखाएंगे तो फिर बताएंगे किस लिए फातिया हो रही है। फिलहाल फातिया करा लेते हैं, तो माँ भी गई हैं बुलाने के लिए जिनसे फातिया कराना है, और सिरनी बन चुकी है, उसके बाद फिर हम लोग आप लोग को बताएंगे। और खुश हूँ कि क्या बोल सकते हैं, हो गया, कभी कभी ऐसी खुशी भी रहती है जिसको हम बता नहीं सकते, तो ऐसी ही वाली खुशी है, कुछ अच्छी खुशी है, तो हम लोग आप लोग को दिखाएंगे, बहुत जल्द दिखाएंगे कि किस लिए खुश है। हाँ, और एक खुशी बता दूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा इसलिए खुश हूँ, आज जुम्मा का दिन भी है, और मेरी जो फ्रेंड है, फ्रेंड बोल लीजिए, बहन बोल लीजिए, और सबसे बड़ी दुश्मन भी बोल लीजिए, और एक अच्छी वाली माँ भी बोल सकते हैं आप, मतलब मैं ऐसा फील करती हूँ, उस चीज़ को मैं बता रही हूँ, ऐसा रियलिटी है मेरे साथ उसके साथ। तो आज उसकी बेटी हुई है सुबह टाइम, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। और सुबह सुबह मतलब उसने, मतलब उसके हस्बैंड ने मुझे बताया कि जुलेखा को बेटी हुई है, तो मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि जितनी मुझे अपनी बेटी होने पे खुशी हुई थी अल्लाह, उतनी ही खुशी मुझे उसकी बेटी होने पे हुई है। और सुबह से मैं परेशान थी कब उससे मेरी बात हो जाए, तो फिर अभी शाम में थोड़ी देर के लिए बस उसका फेस देखने को मिला, उसके देवर ने मुझे वीडियो कॉल पर उसका फेस दिखाया, मैंने उसको जैसे ही बोला कैसी है बे, तो उसने सारा किया जो, मतलब बेबी अभी सो रही है, उसके और भी रिलेटिव होंगे आसपास, तो उसने कहा मतलब बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज सुबह ही तो बेबी हुई है, और अभी फिर बात करना फिर इतना कम्फर्टेबल नहीं लगता है, और सेहत के अकॉर्डिंग, तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग भी दुआ कीजिएगा सब कुछ अच्छा हो जाए, उसकी बेटी भी अच्छी रहे, वो भी अच्छी रहे। उसको एक व्लॉग है, मतलब उसके देवर चलाते हैं दीन और दुनिया करके, मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी, आप उस पर भी देख सकते हैं उसकी बेबी को, उसको तो नहीं, वो उतना ज़्यादा नहीं आती है, बट उसकी बेबी को देख सकते हैं, और उसकी रूटीन को भी देख सकते हैं कि उसकी बेबी कैसी है, और मैं कितनी खुश हूँ उसको लेके। तो अच्छा लगा सुन के, आज बहुत सारी खुशियाँ मिली, कल भी बहुत सारी खुशी मिली थी, आज भी बहुत सारी खुशी मिली है, ऐसी छोटी मोटी खुशी और भी है लाइफ में, तो इंशाल्लाह कल मैं आपको वीडियो कॉल में ही दिखाऊँ, मतलब वीडियो बना के ही दिखाऊंगी कि मैं आज अभी क्यों खुश हूँ इतना ज़्यादा, तो कल उसको भी बताऊंगी, आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो रोज़े का रूटीन है, तो जस्ट अभी जो भी मैं थोड़ा बहुत खाई थी, मतलब एक पराठे खाई हूँ, अभी थोड़ा सा फल फ्रूट खाई हूँ, एक गिलास रुअफ़ज़ा पी हूँ, एक खजूर नहीं थोड़ा सा खजूर खाई, बच्चे आपस में छीना झपटी करने लगे तो थोड़ा सा खजूर हो गया था, सुन्नत का जो तरीका है। और उसके बाद जो भी, हाँ थोड़ा बस इतना ही खाया मैंने, दही बड़ा नहीं खाया,
क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अभी नहीं खाना चाहिए दही बड़ा, थोड़ा देर से खा लेंगे, तो अभी टहल के आऊंगी उसके बाद दही बड़ा खा लूंगी। और आज टहलने का मूड नहीं है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाई हूँ। आज मैं सोच के भी रखी थी कि बहुत सिंपल खाना खाऊंगी, तो आज मैंने डिनर में भी दाल चावल और आलू का भुंजिया बनाया है जानबूझ के, क्योंकि एकदम सिंपल खाने का मन था। और घर पर सबसे पूछ भी लिया था कि आज कुछ हैवी नहीं बनेगा घर पर, और इफ्तारी भी ज़्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि रोज़ इफ्तारी करने के बाद खाना नहीं हो पाता हम लोग का, इसलिए तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया था। और आज टहलने का मूड इसलिए नहीं क्योंकि आज जुम्मा का दिन था, तो बच्चे दोनों घर पे ही थे, माँ चली गई थी हॉस्पिटल, तो दोनों बच्चों की वजह से मैंने आज अपना पारा नहीं पढ़ा है। थोड़ा सा बस सूर्यासीन पढ़ा, पारा बिल्कुल नहीं पढ़ पाई हूँ, तो अब कोशिश करूँगी कि जाके पारा पढ़ लेती हूँ जब तक अजान नहीं हो जाती है ऐसा, कि तब तक मैं पारा ही पढ़ लेती हूँ बाहर टहलने से तो अच्छा है। तो चलिए उसके बाद फिर रात में मैं क्या क्या खाती हूँ वो भी आप लोग को दिखा दूँगी, और मैं सहरी में क्या खा रही हूँ वो भी आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह दिखा दूंगी। तो फिर ये मेरी जो रूटीन है कि इफ्तार से लेके सहरी तक हम क्या खाते पीते हैं वो चीज़ें आप लोग को बता देंगे। तो थैंक यू, रात के डिनर में मिलते हैं। उसके बाद हस्बैंड ने यहाँ पे डोसा ला दिया था, तो वो एक प्लेट ही डोसा लाए थे, बट मैंने उसको हाफ करके दो पार्ट में कर लिया, एक पार्ट अब्बा खा लेंगे और एक पार्ट मैं खा लूंगी। तो हस्बैंड डोसा लेके आ गए थे, अचानक से हस्बैंड डोसा लेके आ गए थे, तो खाने का मूड था नहीं जैसा कि अभी बताई, तो खाने का कोई मूड नहीं था, लेकिन अब आ गया है तो खाना पड़ेगा। तो एक डोसा में से हाफ हाफ कर लिए हैं, ये प्लेट है डोसा की, हाफ मैं खा लूँगी और हाफ अब्बा को खाऊंगी। उसके बाद मैं सो गई थी और फिर रात में उठी थी 3:30 बजे, 3:24 हो रहे हैं उस टाइम पे, फिर मैं उठी थी 3:24 में सहरी करने के लिए। और सहरी में हम कुछ खास नहीं करते हैं, या तो दूध पीते हैं या तो फिर दाल चावल खा लेते हैं, लेकिन आज मेरा मन था दाल चावल खाने का क्योंकि आप लोग को बताई थी कि मैं आज दाल चावल और आलू का भुंजिया बनाई हूँ, तो मैं सहरी में आज यही खा लूँगी क्योंकि दाल चावल आलू भुंजिया खाने का मेरा मन था, वरना अक्सर मैं सिर्फ दूध पी के सो जाती हूँ। और ये दूध बॉयल कर रही थी हस्बैंड के लिए, वो दूध पी के सोएंगे, वो दाल चावल नहीं खाएंगे, तो उनके लिए मैं दूध बॉयल देती हूँ। जब तक दूध बॉईल होता है तब तक मैं ज़्यादा देर नहीं बोल रही थी क्योंकि आवाज़ बहुत भारी आ रहा था और सब सो रहे हैं घर में, तो उन लोग को आवाज़ जाएगा ना तो नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। और जस्ट अभी सहरी करके आई हूँ, सहरी में मैंने ऐसा दाल चावल खा लिया था क्योंकि मुझे आलू का भुंजिया पसंद है और सादा खाने का मन था, इसलिए आज दाल चावल आलू का भुंजिया खा लिया था। और अभी टाइम हो रहा होगा 3:30 बज गया होगा क्योंकि 2-4 मिनट लगा खाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आवाज़ एकदम बैठ गई है क्योंकि पानी वगैरह पी के और टाइम से भी टाइम, यहाँ मौसम थोड़ा ठंडा हो रखा है, अभी तक हम लोगों ने फ़ैन वैन कुछ ऑन नहीं किया है। तो चलिए अब सोते हैं थोड़ा देर, क्योंकि बच्चे लोग को छोड़ के अगर ज़्यादा देर बाहर रहती हूँ तो उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और वो उठ के ढूंढने लगते हैं। तो चलिए पहले बच्चे लोग के देख लेते हैं और कल सुबह मिलते हैं आप लोग से। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अब सहरी करने के बाद जब सोई थी तो उसके बाद सुबह उठी 6:30 बजे के लगभग, और अपनी बेटी को स्कूल भेजी क्योंकि उसका आजकल मॉर्निंग स्कूल है, तो वो 7:30-8 बजे तक स्कूल चली जाती है। तो उसके स्कूल जाने के बाद जो घर का बाकी काम था, झाड़ू बर्तन वगैरह करना, सब क्लीन हो गया है, खाना बन चुका है, दूध इंडक्शन पर रखा हुआ है, जब तक दूध होगा तो बीच में जाके चेक कर लूँगी, तब तक मैं यहाँ पर किताब पढ़ लेती हूँ, कुरान शरीफ की तिलावत कर लेती हूँ, फिर 1-2 घंटे तक पढ़ूंगी, मतलब वही 12 बजे से पहले मैं स्टॉप कर दूंगी, 12 बजे के लगभग नहीं पढ़ती हूँ, तो 12 बजे तक पढ़ूंगी। तब तक आप लोग को दिखा रही थी कि अभी टाइम हो रहा था 9:30, अभी मोबाइल चेक कराई, अभी रुको 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 रुको, पहले चेक कराने दो, हाँ 9:30 बज रहा है, दिखाती हूँ कितना बज रहा है। उसके बाद फिर पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद फिर बताते हैं। सुबह से कुछ भी खाई पी नहीं हूँ, जो लास्ट टाइम मैंने दूध पिया था दिखाया था आपको, उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं खाया पिया है, और अभी कुछ खाऊंगी पीऊंगी भी नहीं। अभी कट्टा शाम को 6:15 बजे अजान होगी, आजकल 6:20 पे अजान होती है, 6:20, हाँ यही लाइन टाइम है, 6:15 पे अजान होती है, उस टाइम पे फिर मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी। तो जो भी खाऊंगी पीऊंगी वो भी दिखाऊंगी, और अभी तिलावत कर लेती हूँ, कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोग को बताती हूँ कि मेरा और रूटीन क्या क्या होता है कैसे कैसे, तब तक आप लोग वीडियो देखिए। 3:30 बजे के बाद सोने के बाद फिर मैं सुबह उठी थी 7 बजे के लगभग, फिर इनाया को स्कूल भेजी, स्कूल भेजने के बाद फिर अभी टाइम हो रहा है 9:36, और अब मैं आ गई हूँ कुरान शरीफ पढ़ने के लिए। तो अब मैं यहाँ 2 से 2.5 घंटे कंटिन्यू कुरान शरीफ पढ़ूंगी, मतलब 9:30 हो रहा, 10:30, 11:30, 12:15 तक पढ़ूंगी। इनाया 11:30 बजे स्कूल से आती है, 11:30 बजे के बाद आती है, तब तक जब तक इनाया आएगी तब तक मैं यहाँ बैठ के पढ़ती रहूँगी।
और फिर मैं पढ़ने के बाद मतलब वही दो ढाई पारा या डेढ़ पारा जो भी मेरा कंप्लीट हो जाए वो तब तक मैं फिर पढ़ती रहूँगी। और पढ़ने के बाद फिर मैं इनाया आएगी तो इनाया में बिज़ी हो जाऊँगी। और जो मेरी केक वाली कल आप लोगों ने वीडियो देखी तो वो इसके बाद की ही वीडियो थी। मैंने इनाया आई, इनाया को फ्रेश वगैरह किया, खाना वाना खिलाया, उसको सुलाने के बाद फिर मैं केक बनाने में बिज़ी हो गई थी। फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था आप लोग को दिखाने के लिए और ना मैंने कुछ खाया पिया था कि आप लोग को बताती, कुछ भी नहीं खाया पिया है मैंने अभी तक। और अब मैं इकट्ठा शाम को खाऊंगी तो जिस टाइम खाऊंगी उस टाइम की वीडियो बना के आप लोग को दिखा दूंगी। तो अब मैं यहाँ आ गई थी, खाना मतलब इफ्तार लग चुका था, शाम के 6 बज रहे थे। यहाँ पे हम लोगों ने बनाया था चिकन सालन वाली चिकन, मतलब चिकन कड़ी बनाया था। यहाँ पे चना था, वो प्याज मिर्ची काट के मैंने चना कच्चा चना में रख दिया था। यहाँ पे दही बड़ा था और भी बहुत सारी चीज़ें थी, पराठा था, खजूर था, रोस्ट था चिकन का, छोटा छोटा पीसेस करके मैंने रोस्ट बना दिया था ताकि बच्चे भी पसंद करते हैं और अब्बा भी पसंद करते हैं, इसलिए मैंने चिकन का रोस्ट बना दिया था। तो थैंक यू वॉच फॉर माय वीडियो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। और अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।